साथियों, अब आप लोगों के बीच में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी आप लोगों के बीच में आएंगे और आज की रैली का हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी, हमारे एसटीसी के महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल जी, राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, समन्वित मंच उपस्थित हमारे श्रीनिवास जी, यूथ कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, एनएसयू के अध्यक्ष अशोक चांदना जी, युवक कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी, एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष, उपस्थित तमाम नौजवान साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान के प्रदेशवासियों की ओर से हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी आज युवा व एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का शलाप जो आपके सामने है, इनको देख करके याद आता है जब एनएसयू से हमने शुरुआत करी थी, मैंने खुद ने, और विभिन्न जिम्मेवारी मिली। आज मुझे खुशी है कि देश का युवा व यूथ कांग्रेस एनएसयू के साथ ही पूरे देश के अंदर उत्फुल्लित है, किस प्रकार का माहौल बना है देश के अंदर, सरकार बनने के बाद में क्या आर्थिक नीतियाँ बनी है, क्या आर्थिक नीतियाँ गर्त में जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार का कोई चर्चा ही नहीं है। राहुल जी इन सब बातों पर अभी प्रकाश डालेंगे। मैं खाली आपको ये आह्वान करना चाहूँगा राजस्थान के युवाओं को, जो हालात बने हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसको लेके आपको, हम सबको चिंतित रहना है। जिस प्रकार से ढाई डाइवर्ट करने के लिए ये लोग नागरिकता अधिनियम नया लेके आए हैं, किस प्रकार से ये एनआरसी की बात करते हैं, ये तमाम बातें खोखली बातें हैं, इम्प्रैक्टिकल है। आसाम हमारे सामने उदाहरण है, ये लागू नहीं होने वाला है, उसके बावजूद भी युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए, देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ कर ये बातें करने लगे हैं। इन चालों को आपको, हमें कुछ समझना है। लंबे अरसे से इनके पास कोई ना सिद्धांत है, ना कार्यक्रम है, ना सिद्धांत है, ना इनके कोई सोच है, इसलिए जानबूझ करके कभी 370 की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी एनआरसी की बात करेंगे। युवाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। आज मैं देख रहा हूँ सैलाब उमड़ पड़ा है एनएसयू का, यूथ कांग्रेस का, साथियों का, पूरे प्रदेश से आप आए हैं। राहुल गांधी जी का संदेश सुन के आपका आना तभी सार्थक होगा। यहाँ जाने के बाद में आप अपने में जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर, विश्वविद्यालय में, कॉलेज के अंदर उनके संदेश दें, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ें, छात्रों को जोड़ें, और देश के हालात क्या है उसके आप चिंतन करें, मनन करें। आने वाले वक्त में किस रूप में देश को, किस दिशा में ले जा रहे हैं लोग, उसे बचाना है। ये फासिस्ट लोग हैं, इनका कोई लोकतंत्र यकीन नहीं है। इन हालातों में आज देश चल रहा है, पूरा मुल्क चिंतित है, इसीलिए राहुल गांधी जी हमारे बीच आए हैं। मैं राहुल जी को धन्यवाद दूंगा, आह्वान करूंगा कि पूरा देश का युवा आपकी तरफ देख रहा है। युवा देख रहा हो क्या रहा देश के अंदर, देश की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, किस दिशा में मुल्क जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। ऐसे वक्त में युवाओं की आवाज़ बनकर के आप आगे आएं, जिससे कि देश के नौजवानों को विश्वास हो सके कोई हमारी बात सुनने वाला है, हमारी पैरवी करने वाला है। और देश के अंदर जो सरकार बैठी हुई है, जिस प्रकार से दो लोग शासन कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट करने का काम आपको करना है। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।